आज हम लेके आ चुके हैं अर्टिगा का ZXi मॉडल। ठीक है तो भाई ये है CNG और पेट्रोल दोनों में। ठीक है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे आपको बताता हूँ। इससे पहले गाड़ी की तरफ चलते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका भाई की कैसा है। ये इसका पूरा की है, देख लो, मतलब पुश बटन से ये खुलती है पूरी गाड़ी। और ये लॉक और अनलॉक के लिए, ये अनलॉक और ये लॉक। ठीक है भाई अब लुक की बात करते हैं तो लुक में एकदम शानदार है भाई, आगे पीछे से एकदम एकदम अच्छी दिखती है। ठीक है और 7 सीटर है तो वो भी बहुत अच्छा है। और भाई इसमें हम पेट्रोल एंड डीजल, मतलब पेट्रोल डाल सकते हैं। ठीक है डीजल नहीं, सॉरी वो मेरी मिस्टेक है। तो भाई पीछे की बात करें तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया है और क्रेटा परफेक्ट का सिंबल। ठीक है और साइड में चले तो यहाँ पे हम पेट्रोल डाल सकते हैं, जब हमारा CNG खत्म हो जाए तब हम पेट्रोल से चला सकते हैं, जब हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए हम CNG से चला सकते हैं। तो ये इसकी अच्छी एक खासियत है। तो अभी आ जाते हैं सामने की तरफ से। तो ये है हेलोजन और ये प्रोजेक्टर है और ये 5 फॉग लैंप है। ठीक है दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे भाई पैचिंग दिया है सुजुकी का। ठीक है और पूरी यहाँ से अच्छे से दिख रहे हो गाड़ी। और इसका एक और फीचर है कि हम एक बार अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर के साइड की सीटी खुलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये खुल गई पर यहाँ पे ये दूसरी कोई भी नहीं खुलेगी। और ये इसके सेफ्टी फीचर है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि भाई कोई भी अगर घुसना चाहे तो पहले ड्राइवर ही घुस पाएगा, बाद में ही सब लोग को घुसा सकता है अंदर। ठीक है तो अब दूसरी बार क्लिक करेंगे तो अब सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तो हम चलते हैं पास में और आपको दिखा देते हैं। तो देख लो खुल गए एकदम और अभी लॉक कर देगा। ठीक है तो अभी रिक्वायर सेंसर से भाई ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करने से भी खुल जाते हैं। देख लो सिर्फ क्लिक ही करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्लिक करो, मतलब ये लॉक हो गई और क्लिक करो और ये अनलॉक। ठीक है तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर पे दिखा देते। तो यहाँ पे सारे स्विच दिए हैं, ये कांच ऊपर नीचे करने का। ठीक है विंडोज़ और ये ऑटो, मतलब ड्राइवर के साइड का ये अपने आप नीचे हो जाता है। और ये लॉक, मतलब सारे गेट अगर नहीं ओपन करने तो ये लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। गेट देखो जैसे हम लॉक करेंगे यहाँ पे लॉक और ये अनलॉक, और यहाँ से बाहर के विंडो अप डाउन हो सकते हैं। और ये डोर लॉक है और यहाँ पे भाई वुडन फिनिश दिया है, एकदम मस्त लग रहा है। और अंदर की तरफ देख लो तो यहाँ पे भी हर जगह वुडन फिनिश और मैट फिनिश के साथ ये दिए। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं पहले हैंडल। तो हैंडल दिखाने से पहले यहाँ पे देखो ये मोड दिए हैं सारे, वॉल्यूम अप एंड डाउन। और यहाँ से हम आगे पीछे भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिखा था स्क्रीन पे वो आपको अभी दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे थोड़ा कॉल को उठाने के लिए है और म्यूज़िक का है, वॉइस कंट्रोल है, वो सारा भी आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है देख लो यहाँ पे। अभी पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और सुजुकी का लोगो आ चुका है सामने। और यहाँ पे देखो मेरा जैसे ये गेट खुला है तो इसमें आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे गेट खुला दिख रहा है। जितने गेट खोलेंगे हम वो सब दिखेंगे। ठीक है तो वो भी आपको दिखा देते हैं मोड अप एंड डाउन करके। तो मैं बोलता हूँ दूसरा गेट खोलो तो दूसरा गेट खोला तो ठीक है यहाँ पे दो दो हो गए। देखो आपको दिखा देता हूँ, ऐसे जितने भी गेट खुले होते हैं वो पता लग जाएगा दूसरा वहाँ पीछे है और ये बंद हो चुका है तो अभी यहाँ पे बंद। तो भाई अभी ये गाड़ी में ऐसा है कि हम इसको CNG भी बना सकते हैं और पेट्रोल भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर देखो CNG लिखा हुआ है तो अभी ये गाड़ी CNG पे चलेगी। ठीक है तो यहाँ से हम इसको फ्यूल है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अभी पेट्रोल लिखा आ जाएगा। तो ये देखो पेट्रोल में हो गई कन्वर्ट तो अब पेट्रोल पे चलेगी, ये सही सिस्टम है यहाँ का। जो पेट्रोल में चलानी है तो पेट्रोल और पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो CNG पे ऑन करना है तो यहाँ से इस बटन को दबा के CNG। और ये अट्रैक्शन ऑफ करने के लिए इससे ड्रिफ्ट और वो सब कम हो जाता है और ये लाइट अप एंड डाउन और जितना अपने को सेट करना है वो। तो अब आ जाते हैं भाई सामने के डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड आप लोग देख लो कैसा है, यहाँ पे वॉल्यूम है अप एंड डाउन, वॉल्यूम एकदम क्लोज और म्यूज़िक सिस्टम सेटिंग वेटिंग सब कुछ है। और यहाँ पे ये AC का अप एंड डाउन, ठीक है और ये हाई एंड लो करने के लिए। और बाद में ये सारे मोड है वो आप लोग पढ़ के देख ही लो। और यहाँ पे ये गियर सिस्टम और यहाँ पे कुछ बोतल रखना हो तो या कुछ सामान वो भी रख सकते हो। और इसको वेंटिलेशन करने के लिए यहाँ पे भी AC दिए भाई, ये देखो छोटे छोटे AC, तो इससे अपने है ना कप है ना वो ठंडे रहेंगे।
तो भाई ये है आर्मरेस्ट और ये ऐसे करके नीचे खुल जाता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे कुछ रखना है तो रख सकते हैं और इसको सिंपली यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसी दिखा देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे देखो ये एसी की हवा यहाँ पे खींचते हैं और पीछे जितने भी एसी दिए हैं वहाँ पे हवा छोड़ देते हैं, तो जब पीछे वाले हो उनको थोड़ा भाई हवा मिलता है तो वो भी ठंडे रहते हैं, वरना उनका दिमाग भी गर्म हो जाएगा अपने की तरह। ये बैक ग्लास और ये लाइट, और लाइट ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे शीशा दिया है तो अपना मुंह देख सकते हो और साफ कर सकते हो, साफ नहीं है तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा ग्लो बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी अच्छी है, खासी है, कुछ रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी एसी चालू कर दी है क्योंकि भाई मेरा फ़ोन गर्म हो गया तो उससे थोड़ा हैंग हो रहा था। तो गाइज़ ये है वॉइस कमांड, और ये यहाँ पे ये फ़ोन रिसीव करने के लिए और कैंसिल करने के लिए, और वॉइस कमांड यहाँ पे दबाते हैं तो ये साइन आ रहा है क्योंकि अभी मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो आपने देख लिया कि यहाँ पे पूरा कितना सीएनजी और पेट्रोल है वो दिखाता है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज होता है। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है टॉर्क और पावर, तो ये हम यहाँ पे एक्सीलेटर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये देखो बढ़ता है, तो ये सही सिस्टम है इनका। और आगे भी दिखा देते हैं, और यहाँ पे एक्सेल है और ब्रेक का है, और फिर से वही के वही मोड पे आ जाते हैं सीएनजी। यहाँ पे एक चार्जिंग का वॉट और ये यूएसबी टाइप के लिए काम आता है। यहाँ पे देखो एक सीक्रेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं खुल नहीं रहा है पर यहाँ पे एक सीक्रेट ये जगह है, यहाँ पे आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हो। तो अभी भाई ये आप देख सकते हो सीट पूरी नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग प्रेशर दोगे तो देखना थोड़ी सीट ऊपर चली जा रही होगी, आपको लग ही रहा है, देखो आपको महसूस हो रहा है धीरे धीरे, मैं जैसे आपको प्रेशर मार रहा हूँ ना ये देखो ऊपर जा रही है और बहुत ऊपर आ चुकी है। अब इसका मैक्सिमम हाइट कितना है वहाँ तक हम लेके चलते हैं दबा दबा के, और ये मैक्सिमम आ चुकी है, देखो भाई कितनी ऊपर आ चुकी है अब सीट एकदम, जिसकी हाइट छोटी हो ना वो इस पे बैठ के आराम से इसको देख के चला सकता है आगे का अगर ना दिखे तो। और डोर के ऊपर यहाँ पे देखो यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस दी है, यहाँ पे एक बोतल आराम से आ सकती है अच्छे से। तो गाइज ये स्विच पैनल है, ये ऑटो है, तो एक फर्स्ट क्लिक में ही डायरेक्ट ओपन हो जाती है, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करने से अपने कांच देखना पीछे चले जाएंगे, खुल जाते हैं अपने आप, और ये दबा के देखो तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है, हेलो। अब पीछे आ गए हैं तो ये देखो आपको बोतल का एग्जांपल दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी कोका कोला की बोतल है, ये आराम से इधर आ जाती है, और स्पेस आपको पता लग गया, यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन और डोर ओपन करने के लिए, और पीछे का स्पेस देखो भाई 3 जन आराम से बैठ सकते हैं, ना हो तो 2 जन भी एकदम अच्छे से बैठ सकते हैं। और यह आर्मरेस्ट है जो खुल सकता है, अगर तीसरा बंदा डालना हो तो आर्मरेस्ट बंद कर देना होता है। और यहाँ पे भी चार्जिंग के लिए दिया गया है और थोड़ी जगह है कुछ रखने के लिए, और यहाँ पे भाई एसी दी गई है जो आगे से हवा खींच के पीछे यहाँ पे सबको दे देती है तो ठंडा लगेगा इन सबको भी। और पीछे आ जाते तो यहाँ पे भी एक बोतल रखने की अच्छी खासी स्पेस है, जो बोतल आराम से आ सकती है, और पूरा एकदम अच्छी बॉडी है, और पीछे 2 जन की जगह है और लेग स्पेस बहुत कम है, अगर करनी हो तो पीछे हमें थोड़ी ये सीट सारी पीछे जाने दे रही है, उससे हमारा बूट स्पेस कम हो जाएगा, पर तो भी सही है, आगे की स्पेस ज़्यादा है तो इसको आगे ले लग सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बूट स्पेस चेक करने के लिए, बूट स्पेस तो 1 क्लिक, और ये हाइड्रोलिक है तो डायरेक्ट ही ओपन हो जाता है, देखो हाइड्रोलिक का यही फ़ायदा है। और यहाँ पे जगह चेक कर लो, और इसके नीचे क्या है, ओके सीएनजी का है, मतलब इतनी बूट स्पेस है, तो इसमें कितने बैग रख सकते हो वो आपके ऊपर है, वरना आगे भी रख सकते हो, अगर परिवार अगर छोटा हो, एक ही परिवार हो तो आगे बैग आ जाएंगे। भाई सेफ्टी के मामले में मारुति लगता है अब आगे निकलने वाली है, देखो भाई फायर एक्सटिंग्विशर दे रही है और साथ में है। तो ये हमारी गाड़ी जब ख़राब हो जाती है तो ये बहुत अच्छा काम आता है, ये ट्रायंगल बन जाता है, उससे भाई किसी की भी गाड़ी के अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकता है, उससे पता चलता है यहाँ पर कोई खतरा है, तो काम चल रहा है मतलब। तो अभी भाई एक बंदा अंदर जा रहा है, पीछे आपको दिखाते हैं स्पेस कितनी है, लेग स्पेस ये अच्छे से बैठ पाता है या नहीं, ये आगे हम खोल रहे हैं, ठीक है, देखो इतना यहाँ पे जाने का स्पेस है। तो ये अभी एक बंदा पीछे बैठ रहा है, कंफर्टेबल है कि नहीं वो बताएगा, कंफर्टेबल है, थोड़ा और स्पेस चाहिए हो तो ये सारी पूरी सीट थोड़ी आगे एकदम आ सकती है, तो
ऐसे तो कंफर्टेबल ही है भाई। इसको पूरी खोलते हैं, कितना खुलता है वो आपको बता देते हैं। पहले ट्राई किया तब नहीं खुला, तो ये इतनी आगे जा सकती है। पीछे लेग स्पेस ऐसे बढ़ता है और पीछे बंदे यहाँ से अब आराम से घुस के चले जा सकते हैं। और भाई कभी आपका भाई मतलब स्टार्ट ना हो गाड़ी, तो यहाँ से आप चाबी भी निकाल सकते हो, पर चाबी निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, चाबी घुसाने की कोई जगह ही नहीं है, तो भी ऐसे निकाल सकते हो आप लोग चाबी। तो बैक साइड आ चुके हैं, तो बैक साइड में यहाँ पे बहुत सारे सेंसर दिए, और ये बीच में देखो भाई सेंसर देखते रहते हैं, तो यहाँ पे एक कैमरा भी है, तो इसको भूलना मत, ये सेंसर नहीं ये कैमरा है, ठीक है। और मारुति का लोगो और एल शेप लाइट है, और बाकी तो अगर आपको इसके फीचर्स अच्छे लगे हो और गाड़ी भी आपको अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गाड़ी का आपको पूरा लुक दे दिया पूरा, आपको अब बाय करना है नहीं बाय करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।